यहाँ की करेंसी देखो, इनके पास सबसे बड़ा नोट है 5,000 का। देखने में ऐसे लगता है जैसे तो आपने लॉटरी टिकट बाय कर रखा है। वेज फ्राइड राइस के साथ इन्होंने देखो लाल मिर्च दे रखी है। अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे तो आसपास की चीजें इतनी खूबसूरत दिखती हैं, आप टाइम स्पेंड कर सकते हो इजीली। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं हूँ कैंडी में और अभी मैं यहाँ पे ना खाना खाने जा रहा हूँ बाहर। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ना श्रीलंका के अंदर खाने के कितने रुपए लगते हैं वो बताया जाए। तो मैं अभी कैंडी में हूँ, तो कैंडी लेक के आसपास मैं जाऊँगा खाना खाने के लिए। कोशिश रहेगी कि मैं कुछ इंडियन फूड वहाँ पर ढूँढूँ और अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पर कितना महंगा है खाना खाना और कितना महंगा है स्टे यहाँ पे। और अभी मैंने कुछ में से ये ऑटो रेंट किया है, मतलब रेंट नहीं किया, फेयर बुक किया है, जो मेरे को 221 श्रीलंकन रुपीज़ में दिखा रहा है। और ये मैंने पिक मी ऐप से किया, उसके बारे में भी बताऊँगा कि मैं कैसे बुक करता हूँ। और अभी चलते हैं। यहाँ के ऑटो ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सही में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लग्जरी ऑटो आप कह सकते हो, हैं तो छोटे छोटे से पर सही है, कंफर्टेबल है, आप कहीं पे भी जा सकते हो, 100 किलोमीटर आराम से कर सकते हो इसके अंदर बैठ के और मस्त हवा लगेगी। और जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं ना उधर एक कैंडी लेक है जो कि ये सामने ही है, अभी घुमा के लेके जाएंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैंडी लेक कैसी है। तो गाइस ये है कैंडी का व्यू पॉइंट। कैंडी में एक जगह है जहाँ से खड़े होकर पूरा कैंडी देख सकते हो और ये हमारे को हमारे कैब ड्राइवर ने दिखाया है। और ये वाली इनकी मेन रोड जिसपे इनके मोस्टली आउटलेट हैं। गाइस अभी मैंने इस होटल में आया हूँ, होटल सुमिया फूड मेन्यू करके, और देखने में कुछ ऐसा डिसेंट सा है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्लासीफाइड भी नहीं है, क्लासिकल। और यहाँ पर अपना रेट देख सकते हो। अभी मैंने मंगाया मसाला डोसा जो कि 450 का है और मैंने साथ में मंगाया फ्राइड राइस, बाकी खाने में इनका खाना टेस्टी है। और गाइस इनका मसाला डोसा सब काफी बड़ा है वैसे, और एक बंदे के लिए ना इनफ है अगर कोई बंदा डिसेंट से खाना खाता हो, डंगरा की तरह ना खाता हो तो। और सब्जी तो आप अनलिमिटेड ले सकते हो इधर, कितनी भी करवा लो नाट से बना। और गाइस वेज फ्राइड राइस के साथ इन्होंने देखो लाल मिर्च दे रखी है, मिट्टी है। खाई है आपने? ये देखो गाइस मैंने मनी एक्सचेंज करवाया और यहाँ की करेंसी देखो, इनके पास सबसे बड़ा नोट है 5,000 का, ये इसकी बैक साइड, और उसके बाद 1,000, 500, 20 ऐसे करके। देखने में कूपन जैसे नोट लग रहे हैं ना, बाकी सही सी करेंसी है, कलरफुल सी, देखने में ऐसे लगता है जैसे तो आपने लॉटरी टिकट बाय कर रखा है। तो गाइस हम इस होटल में रुके हैं जो कि नाम है इसका क्वीन माउंट होटल। नो इट्स ओके, तो क्वीन माउंट होटल में हम रुके हैं, क्वीन माउंट रिज में। और देखने में होटल काफ़ी अच्छा था, बाकी रूम भी काफ़ी डिसेंट और स्पेसियस से हैं। अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसे रूम्स हैं। और ये होटल की छोटी सी पार्किंग और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ये रिसेप्शन एरिया है और ये वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया एक नंबर का था, हम बहुत जल्दी आ गए थे तो अर्ली चेक इन नहीं मिला था, तो हमने यहाँ पे सो के टाइम स्पेंड किया था। इधर किचन है और आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, ऊपर की तरफ पूल वगैरह भी हैं, आप चाहो तो पूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। और 3-4 फ्लोर हैं जो कि सारे नीट एंड क्लीन, और तगड़ी सी वाइब आती है, ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं पे लाइक नैनीताल वगैरह आए हुए हो। और ये श्रीलंका का होटल है, ये इनके रूम है और रूम काफ़ी स्पेसियस है जैसे मैंने बताया, और व्यू देखो आपकी बालकनी से तगड़ा है। तो आप प्लान कर सकते हो अगर आप कैंडी आ रहे हो ना, तो कैंडी आप इस होटल में रुक सकते हो, और भी बहुत सारे होटल हैं बट ये वाला मेरे को अच्छा लगा। इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है जो देखने में काफ़ी मस्त लगता है, खूबसूरत लगता है, अभी दिखाता हूँ। और ये इनका अपर डेक वाला एरिया है जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, और एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है, अगर आप चाहो तो कुछ खा पी भी सकते हो। और यहाँ से व्यूज़ देखो गाइस, ये वाला देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे शिमला में आए हुए हैं। और इधर पूल है इनका जो कि काफ़ी खूबसूरत है,
ये इनका पूल है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। वेट, ये देखो मस्त है, ऊपर खड़े होकर जरा फोटो खींच सकते हो। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने फोटो वोटो नहीं ली, पर जबरदस्त है देखने में। और यहाँ से व्यू, मतलब आप टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे भी, अगर आप कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे तो आसपास की चीज़ें इतनी खूबसूरत दिखती हैं, आप टाइम स्पेंड कर सकते हो इजीली। और उधर करके एक कैंडी लेक है, वो भी आपको चलते चलते दिखाता हूँ थोड़ा सा। और गाइस इस होटल के अंदर खेलने के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रख रखी थी, जैसे टेनिस रख रखा था, चेस बोर्ड वगैरह रख रखा था, और थोड़ा ट्रेडमिल वगैरह भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी थी। और हमारे फ्लोर पे भी किचन था, हम कुछ खाना बना के खाना चाहे, वॉशिंग वगैरह करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, अलाउड था सब। और ये हमारा रूम था जिसके अंदर हम रुके हैं, और यहाँ पर वाईफाई वगैरह मतलब सारी चीज़ें थी। और इधर से वही सेम व्यू पहाड़ों का, ज़बरदस्त। तो गाइज़ इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।